जय श्री राधे जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल डम ग्रुप पे। और आज बहुत सारे व्यूवर्स के आने वाले कुछ जो सवाल हैं उनका जवाब देंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे जीवन रेखा से। बहुत सारे लोगों का सवाल आता है जीवन रेखा को रिलेट करके कि जीवन रेखा अधूरे क्षेत्र तक आई है, यानी कि आपके शुक्र और चंद्र के मध्य क्षेत्र तक आई है और नीचे से जो फ्रंट लाइन जा रही है उसके साथ सेकेंडरी लाइन इसकी यहाँ पर कनेक्ट कर रही है, तो क्या ऐसी स्थिति में उम्र छोटी होगी या व्यक्ति अल्पायु होगा, ऐसी कोई सिचुएशन बनेगी क्या? तो देख लो, जब भी आपके दोनों हथेली में ऐसी कंडीशन बन रही है तो इसका आपके जीवन खासकर उम्र से कोई भी संबंध नहीं होता है। इससे उम्र ज्यादा या कम होने का कोई अर्थ नहीं है। जब भी ऐसी परिस्थिति बनेगी ये आपके भाग्योदय का काम करती है, आपके जीवन में संघर्षों के पश्चात मिलने वाले अपार सफलता को दर्शाती है। ऐसा व्यक्ति अगर अपने उम्र के 28 वर्ष तक अत्यधिक समर्पण के साथ मेहनत करता है, अपने कार्यों में 100% अपना देता है, तो ये व्यक्ति जिंदगी को ऐसे मुकाम तक लेके चला जाता है जहाँ उससे एक बहुत बड़ा वर्ग या बहुत बड़ा समुदाय प्रभावित हो सके और ये व्यक्ति एक सितारे की तरह चमकना शुरू कर देता है। ऐसी जब भी परिस्थितियां बिना खंडित हुए और दोष मुक्त अवस्था में आपकी हथेली में बनती है तो ये आपको समाज में आपके लोगों के बीच काफी ज्यादा फेमस करने का कार्य करती है और आपका जीवन काफी हंसी खुशी भरा होता है। दूसरा सवाल आता है भाग्य रेखा के को रिलेट करके कि भाग्य रेखा अगर यहाँ से मध्य के क्षेत्र से निकली है, आगे जाके यहाँ पे टूट गई है और फिर आगे की तरफ बढ़ी है, इसका क्या मतलब है? जब भी कोई रेखा टूटती है तो उसका कुप्रभाव ही व्यक्ति के जीवन पर देखने को मिलता है, लेकिन उस समय आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपकी भाग्य रेखा की स्थिति शुरुआत से लेके और बाहर के क्षेत्र तक में कैसी है। जिस जिस पर्वत क्षेत्र से गुजरी है उस क्षेत्र की कंडीशन वहां पे क्या है, उस माउंट की कंडीशन वहां पे क्या है, क्योंकि एक अच्छी बस भी अगर खराब रास्ते पे जाती है तो उस समय उसके स्पीड पर प्रभाव पड़ता है। इसीलिए अगर आपका वो माउंट एरिया कमजोर है या जहां से वो जा रही है वो रूट कमजोर है या जहां से निकली है वहां कोई इशू है तो उसका प्रभाव आपकी इस रेखा पर पड़ेगा, उसके बल पर पड़ेगा और उसी अनुरूप आपके जीवन में उसके शुभाशुभ और अशुभ फल आपको प्राप्त होने का काम करेंगे। क्या ऐसा होता है कि जीवन रेखा अगर छोटी हो तो इसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर एक दुर्भाग्य के रूप में पड़ता है? इसे ऐसे समझ लो कि कोई व्यक्ति नाटा ही क्यों ना हो, जैसे जैक मा अलीबाबा के संस्थापक, बहुत छोटा सा है, या अंबानी ले लो या कोई भी ले लो, तो उससे उसके भविष्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसी तरीके से एक छोटा ही क्यों ना हो, मजबूत हो, स्ट्रांग हो, इसमें बल हो, पावर हो, एनर्जी हो, तो ये चीज़ें आपके लिए उतनी ही ज़्यादा सौभाग्य का काम करेगी। इसके छोटे होने से इसका कोई भी कुप्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ता है। और पूरी लंबी खड़ी रेखा हो जो सीधे शनि पर्वत तक जा रही हो लेकिन ये अंदर से पूरी खोखली हो, ये दोष युक्त अवस्था में हो, तो ऐसी अवस्था में सिर्फ 100 पीस रह जाएगी, इसका कोई भी लाभ आपके जीवन में नहीं मिलता है। इसके अलावा सवाल आता है कि क्या दो भाग्य रेखा की स्थिति बनती है जिसमें एक केतु के क्षेत्र से और दूसरी चंद्र के क्षेत्र से? जी हाँ, बिल्कुल ऐसी स्थिति काफ़ी लोगों की हथेली में बनती है और ऐसा होना काफ़ी ज़्यादा सफलता का सूचक है, क्योंकि इससे ऐसी परिस्थितियों में आप अपने जीवन में जो चाहते हैं उन्हें पाने के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं और उन चीज़ों को प्राप्त करने की क्षमता विकसित कर लेते हैं। हालांकि ऐसे लोगों की मन मस्तिष्क काफ़ी चंचल होती है और ऐसी अवस्था में कई दफ़े उनके साथ ऐसा हो जाता है कि अपॉर्चुनिटी को सही तरीके से समझ नहीं पाते या फ्यूचर को लेकर इतने ज्यादा आसान्वित हो जाते हैं कि चीजें उनके हाथ से फिसलती चली जाती हैं, उनके नाक के नीचे से, और उन्हें पता भी नहीं चलता। तो जब भी ऐसी परिस्थितियां अगर व्यक्ति के जीवन में बन रही है तो उस समय खासकर उन्हें सूर्य की दशा और बुध की परिस्थितियों का पूर्ण रूप से अध्ययन करवाना उस समय उनके लिए उचित हो जाता है। इसके अलावा मंगल के क्षेत्र को लेकर कई सारे सवाल आते हैं कि ये अगर गड्ढेदार है तो इसका क्या मतलब है? देखो, मंगल का प्रथम या द्वितीय क्षेत्र, इन दोनों की परिस्थितियों को गौर करना काफी आवश्यक हो जाता है। अगर प्रथम क्षेत्र गड्ढेदार है, जो कि अमूमन बहुत सारे लोगों की में पाया जाता है, और दूसरे क्षेत्र में रेखाएं नहीं है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। ऐसी परिस्थितियों में आप अपनी चीजों पर बेहतर रूप से कंट्रोल कर पाने में सक्षम होते हैं। हालांकि उसमें ध्यान देना है कि यहाँ पे अच्छी या बुरी रेखाओं या सिंबल की क्या कंडीशन यहाँ पे बन पड़ी है, इसके अलावा कुंडली के अकॉर्डिंग दशा महादशा अंतरदशा की क्या स्थिति है, तो उसके अनुरूप आपके जीवन को प्रभावित करने का वहां पर कार्य करेगी। लेकिन ठीक इसके विपरीत, अगर दूसरे में सीधी खड़ी रेखाएं हैं जो कि मस्तिष्क रेखा को किसी भी तरीके से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, कैसे भी अगर छूने का काम कर रही है, प्रभावित करने का काम कर रही है या इसके ऊपर हावी होना चाह रही है, तो ये आपको आपके खुद की गलतियों के कारण, खुद की कमी से और खुद के अहंकार वश आपके जीवन में आपको पीछे की तरफ धकेलती हुई लेती चली जाती है या आपको निराशा की तरफ धकेल देती है या अवसाद की तरफ लेके चली जाती है।
एक चौथा पांचवा सवाल आता है कि अगर सीधी रेखा मंगल की यहाँ पे हो तो क्या प्रभाव होगा। ये बहुत ही सुंदर रेखा है, इससे संबंधित हमारी वीडियो है, उसके द्वारा आप समझ सकते हैं कि इसके कितने शुभ प्रभाव आपके जीवन पर पड़ते हैं। लेकिन अगर यही रेखा खंडित हो जाती है तो इसके कुप्रभाव भी आपके जीवन पर उसी तरीके से देखने को हमेशा मिलते हैं। इसके अलावा एक सवाल आता है आपकी मस्तिष्क रेखा यानी कि हेडलाइन के रिलेट करके, कि अगर ये रेखा छोटी हो तो क्या मतलब है। ये रेखा जितनी छोटी होगी आपके लिए उतना ज्यादा अच्छा है, उतना ज्यादा आप करियर में और अपने जीवन में विकास को प्राप्त करने की स्थिति में आ जाते हैं। ये जितना ज्यादा लंबा होता चला जाता है उतनी सामान्य स्थिति आपके जीवन में ये लाने का कार्य करती है। ये जितना नीचे ज्यादा झुकता चला जाएगा उतना आपके अंदर कलात्मक विकास होता है, कई दफे आपके अंदर कुछ गलत चीजों का भी विकास हो जाता है। वो निर्भर करता है कि बाकी आपकी हथेली की क्या सिचुएशन बन रही है, क्या परिस्थिति बन रही है, क्या राहु के क्षेत्र पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। जी हाँ बिल्कुल, ये छठा सातवां सवाल है तो इसके बारे में भी बता दूं कि इस पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये जितनी गहराई में और जितना ज्यादा शुभ रेखाओं से युक्त तो होगा उतना ज्यादा बेहतर फल देने का कार्य करेगा। यहां पर अगर लॉर्ड्स ऑफ क्रॉस की सिचुएशन बन जा रही है तो ये सिचुएशन आपको कहीं ना कहीं फंसाने का कार्य करेगी, और जब भी यहां पर क्रॉस कुछ हद से ज्यादा महीन क्रॉस की सिचुएशन बनेगी ना, जो कि बुरी होती है, तो ऐसी कंडीशन में आपका मंगल यहां पर कभी भी अच्छा नहीं होगा और आपके सूर्य की स्थिति यहाँ पे एक से ज्यादा रेखाएं और रेखाएं भी आपस में टकरा के बिखरती हुई प्रतीत होगी, वो कभी भी सामान्य रूप से वहां पे हो ही नहीं सकते। तो इन चीजों पर गौर करना जब ऐसी सिचुएशन आए तो उस पर ध्यान देना। इसके अलावा केतु के क्षेत्र में क्या क्या बन सकता है, देखो यहाँ पर त्रिभुज वर्ग मत्स्य का चिन्ह मुख्य रूप से प्रभावी होता है, मुख्य रूप से यहाँ पे देखा जाता है और उस भी वो सही तरीके से काम भी करता है, लेकिन उसका बेस यहाँ पे देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यह पर्वत क्षेत्र किस तरीके की स्थिति में बना हुआ है, स्वस्थ है या नहीं, सही तरीके से काम कर पा रहा है या नहीं, या इसके ऊपर जो रेखाएं हैं वो एक्टिव है या नहीं, या बस वैसे ही पड़ी हुई है। जैसे आप घर में टेलीविजन ले आओ, लाके रख दो, उसे प्लग उसका इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अगर नहीं होगी तो सिर्फ शोपीस रह जाएगा, उसी तरीके से अगर यहाँ पे है तो कब एक्टिव होना है, अब तक क्यों नहीं एक्टिव हुई है, इन सारी चीजों को आपको वहां पे गौर करने की जरूरत पड़ जाती है। क्या इस चंद्र के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा रेखाएं नीचे से ऊपर की तरफ आना क्या सूचना देती है, देखो इसके बहुत सारे असर आपके जीवन पर पड़ते हैं, खासकर कला के क्षेत्र में आप किस प्रकार से आगे बढ़ने वाले हैं, इसके अलावा आप देश विदेश में कहाँ कहाँ जाके क्या क्या करने वाले हैं, किस तरीके से करने वाले हैं, किस उम्र में करने वाले हैं, इन सब की जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं। आपके शुक्र के क्षेत्र से आप अपने जीवन में किस तरीके से करियर में आगे बढ़ने का काम करेंगे, आपकी मानसिकता किस तरफ ज़्यादा झुकी होगी और किन चीज़ों में किस तरीके की सक्रियता आपको बेहतर या नीचे की तरफ ले जाने का कार्य करेगी, इन सबको दिखाने का यहाँ पे कार्य करता है। इसके अलावा बुद्धि विवेक की आपकी विकृति स्थिति की कैसी है इसके बारे में भी यहाँ से आप समझ सकते हैं, धन दौलत वगैरह के बारे में भी। एक और सवाल आता है आपके हृदय रेखा को लेकर, जिसके रिलेटेड हमारे कई सारे वीडियोज हैं कि अगर कहीं खंडित हो तो इसका प्रभाव किस तरीके से है। देखो इसके 74 से ज्यादा प्रकार हैं और वैसी स्थिति में एक छोटा सा अंतर भी इसके प्रभाव को काफी हद तक बदलने का कार्य करता है। इसके अलावा आज कुछ सवाल आ रहे थे रेखाओं के रंगत को लेकर, देखो जब भी रेखाएं काली पड़ने लगती है ना तो रियलिटी है कि उसका प्रभाव आपके जीवन पर नकारात्मक ही आता है, आज जितनी गुलाबी हो उतना अच्छा। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी हथेली में आप देखेंगे उजला उजला छोटा छोटा डॉट होगा, ठीक है, कहीं लाल कहीं उजला, ऐसे ऐसे करके पूरी हथेली में डॉट जैसी सिचुएशन बनी होगी। वो कैसा होता है, एक मिश्रित हथेली है और कन्फ्यूजन को दर्शाती है। ऐसे व्यक्ति के जीवन की अगर हम बात करें तो 27 से 28 वर्ष तक उन्हें पता नहीं होता कि हमें जीवन में क्या करना है। छोटे छोटे गोल्स वो हमेशा बनाते होते हैं, जीवन में आशावादी बहुत होते हैं, लेकिन उस तरीके से उन्हें सफलता की स्थिति नहीं बनती, चाहे उनके हाथ में कितनी भी बेहतरीन रेखाओं का संयोग क्यों न बन रहा हो, कुछ खास की अगर गणना छोड़ देते हैं हम तो। इसके अलावा ऊपर के क्षेत्रों में चलेंगे और शनि के क्षेत्र की बात करेंगे, जहां के रिलेटेड कुछ सवाल बीते दिनों आए थे हमारे पास कि यहां पे कुछ ऐसी सिचुएशन बन रही हो तिलक की जैसी स्थिति, तो क्या इसे भी तिलक कहेंगे। जब भी तिलक के मध्य में कोई रेखा सीधे तौर पर इसे काट देती है तो इसे आप तिलक की स्थिति नहीं कहेंगे, अगर स्वतंत्र रूप से बन रही है तो इस क्षेत्र में आपकी बनेगी, जो कि नीचे तक भी बनी हो सकती है। इसके अलावा जब भी हृदय रेखा के साथ संबंध करके बनाएगी तो वो अर्ध विष्णु चिंबल की स्थिति होगी सिंबल की, और नीचे की तरफ अगर चलते चले आए तो पूर्ण विष्णु चिन्ह की स्थिति का निर्माण का कार्य वहां पे करेगी। जब भी आपके हृदय रेखा पर आपके सूर्य के क्षेत्र के समक्ष अगर आपके त्रिभुज की स्थिति बन रही है तो आपको कार्यों को बनाने का कार्य करेगी। ये निर्भर करता है कि आपके किस हथेली में है, दाहिनी या बाएं, उसके अनुरूप आपका फिलहाल कौन सा गोचर चल रहा है, क्या समय चल रहा है, कौन सी महादशा है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये शुभ अशुभ और अशुभ फल देने का वहां पे कार्य करती है। हालांकि इसका शुभ फल ही होता है, बशर्ते इनका बेस कहीं से भी खंडित ना हो और कहीं से भी दोष की स्थिति इनके यहाँ
पर न बन पड़ी हो। यहाँ पे बहुत सारी बेहतरीन आपको वर्ग के चिन्ह यहाँ पे उभर के आते हैं, लेकिन ये चिन्ह कई दफ़े आपके लिए उस तरीके से बेहतर कार्य नहीं कर पाते जिस तरीके से करना चाहिए। उसके लिए आपको जो यहाँ की इनर लाइन्स है उसे देखनी पड़ेगी कि इनर लाइन्स की क्या सिचुएशन है, वो कहीं से खंडित तो नहीं है, कहीं से दोष मुक्त अवस्था में तो नहीं है, त्रिशंकु के ऊपर किसी बाहरी रेखाओं का आक्रमण तो नहीं हुआ है, उसे भी देखना पड़ेगा। इसके अलावा जो चारों इसके कोण है, चतुष्कोण की स्थिति को देख के उसके अनुरूप ही इसके फलाफल के बारे में आप जान सकते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर अगर त्रिशूल नीचे की तरफ मुख करके खड़ा हो तो क्या होगा। त्रिशूल यहाँ पर कैसे भी रहेगा आपके लिए अच्छा ही है, इस ग्रह के जो सुप्रभाव है उसे बढ़ाने का ही कार्य करेगा, तो इससे कतई भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, तिरछी रेखाएं अगर यहाँ पे है तो वो आपके सुप्रभाव को कम करती है और आपके संघर्ष को थोड़ा सा बढ़ाने का कार्य करती है, खासकर अगर शनि की तरफ इनका झुकाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो। इसके अलावा बुध पर एक से ज़्यादा रेखाओं का क्या मतलब है, एक से तीन तक रेखाओं की स्थिति आपको बुद्धिजीवी बनाने का कार्य करती है, कार्य क्षेत्र में आपको आगे की तरफ ले जाने का कार्य करती है, लेकिन जब उससे ज़्यादा या खंडित अवस्था में या विकलांग स्थिति में यहाँ पर रेखाओं की स्थिति बन रही हो तो वह आपके जीवन को संघर्षों की तरफ ले जाने का भी उसी तरीके से कार्य करती है। विवाह रेखा जब यहाँ से आगे बढ़े और एक पत्ती के रूप में विभाजित हो जाए तो क्या होगा, इसके भी अलग अलग तरीके से प्रभाव हैं, लेकिन बस ये समझ लो कि शुरुआती जीवन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, फिर बाद में चीज़ों को देखने के पश्चात ही बता सकते हैं कि किस तरीके से इसे कंट्रोल किया जाए, लेकिन एक समस्या के रूप में आप इसे यहाँ पे देख सकते हैं। पूर्ण रूप से क्रॉस की जब भी सिचुएशन यहाँ पे बनेगी तो सारी रेखाओं से अलग पूर्ण रूप से स्वतंत्र अवस्था में ही यहाँ पे बनेगी और आपस में इनका सहयोग होगा। जब भी दोनों की जो मुख्य बेस है ये कमजोर होंगी तो उसी के अनुरूप ये भी यहाँ पे कमजोर होगा। इसे ऐसे मानो जैसे बस के ऊपर ढांचा खड़ा है, अगर इंजन कमजोर होगा तो उसी तरीके से ये भी अपना परफॉर्मेंस आपको देने का काम करती है। तो ये सब कुछ ऐसे सवाल थे जो कि काफ़ी ज़्यादा आते हैं, उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। आगे के वीडियो में आई थिंक कि वीक में कुछ ऐसे वीडियो आएंगे जिसमें आप लोगों के सवालों को लिया जाएगा और उसके अनुरूप मोटे तौर पे बताया जाएगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति के पाम के अकॉर्डिंग सेम लाइन के जो फल है ना वो बदलते होते हैं हमेशा, तो इस कारण किसी एक के द्वारा आप उन चीज़ों को नहीं समझ सकते कि हमारे साथ चीज़ें किस प्रकार जा रही हैं। सॉरी, एक और सवाल आया था इसको लेकर कि यहाँ पे अगर अर्ध मतलब कानी आँख बनी हो तो इसका क्या मतलब है। देखो, जब भी कानी आँख बनी हो ना तो दोनों हथेली देखना, क्योंकि इसका काना होना आपको भी कहीं ना कहीं काना बना के ही छोड़ता है, तो वो देखने की आवश्यकता पड़ेगी। मिलते हैं फिर कुछ और नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए बोलो जय श्री राधे।